عليكم ورحمة الله وبركاته. पाकिस्तानी कौन कभी नहीं भूलेगी ये वो दिन था जब सब सिलाई पाचे मासूम बच्चों के लहू से सुर्ख हो गया। दरिंदों ने माओ की गोने उजाड़ दिए, बापों से इनके लख जगह और बहनों से इनके भाई जुदा कर दिए। ये वो दिन था जब जैसे दूतों ने कौन के मुस्तबिल पर हमला किया था। ये वो दिन था जब सरजमीन पाक पर तुलू होने वाला सूरज भी अस्पार होकर डूबा और शहीदों के खून से लथपथ पेशावर की सरजमीन की सुर्खी हमें आज भी याद है। फूल देखते थे जनाजों पे हमें हमेशा मैंने, फूल देखते थे जनाजों पे हमेशा मैंने, कल मेरी आंखों ने फूलों के जनाजे देखे। आदी वफा 16 दिसंबर को दहशतगर्दों का ये गुमान था कि वो इस बेरहमाना कार्रवाई से हमारे हौसलों को पस्त कर देंगे, लेकिन इनको ये खबर नहीं थी नहीं कि हमारा ताल्लुक किस कौम से है जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार बगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम टैंक से भी कब घबराते हैं, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। आली वफा इस तनहा ने यह साबित कर दिया कि इस मुल्क के फौजी जवान और बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। वो मासूम बच्चे मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हो जाए थे। कुरान करीम का भी इरशाद है कि अल्लाह की राह में शहीदों को मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। चले जो हो गए शहादत का दाम भी का तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। उम्र तुम्हारी शजाअत पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद दिया।